So students, today here we are going to see the difference between a weir and barrage. Okay, so first of all, as I have explained you in our first video, that weir and barrage are the examples of a hydraulic structure called diversion headwork, right? So diversion headwork, ये ऐसा एक hydraulic structure है जो हम रिवर के अक्रॉस में कंस्ट्रक्ट करते हैं टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वाटर एंड डाइवर्ट इनटू द रिक्वायर्ड इरिगेशन कैनल. तो हमने देखा था कि उसके दो एग्जांपल दिए थे, वियर एंड बराज. सो टुडे वी विल सी दैट व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वियर एंड बराज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट लेट मी सम शो यू विथ अ पिक्चर दैट इफ दिस इज द रिवर. ओके, दिस इज द रिवर विच इज, or we can consider it as a stream, river or stream, okay, which is flowing in this direction. Now if we want to increase the water level of this river and divert it into the other canal, okay, this side or this side, then what we need to do, we need to put some obstruction. Okay, so this is the obstruction which is put across the river. Horizontal obstruction हमने एक रखा है. अगर ये आप top view ले लेते हो, if you considered it as a top view, so ये हमारी एक river है जो flow हो रही है और उसके horizontal axis पे हमने एक obstruction रख दिया, ठीक है. तो उससे क्या होगा, उससे जो ये river है, river में जो water है उसका water raise होगा और फिर उसको हम जितना रेस करना चाहे उतना रेस करके उसको रिक्वायर्ड इरिगेशन कैनल में हम डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस कुड बी कैनल और ये भी एक कैनल हो सकती है और उसका हम वाटर उसको रेस करके हम इरिगेशन कैनल में डाइवर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द व्हाट वी कैन से रिवर और हमने जो ये ऑब्स्ट्रक्शन रखा वो. तो ये ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलेंगे डाइवर्जन हेडवर्क. क्योंकि क्यों डाइवर्जन हेडवर्क बोलेंगे, क्योंकि ये वाटर के लेवल को रेस करके उसको क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा, ठीक है. सो इसको हम डाइवर्जन हेडवर्क बोलेंगे. नाव दिस ऑब्स्ट्रक्शन could be also called it as a weir and or barrage. So first of all let us see that what are the characteristics of a weir. अगर हम ये obstruction को weir बोलेंगे तो उसके लिए क्या conditions होनी चाहिए या क्या characteristics होनी चाहिए. So weir, if I can draw, then it is a solid construction which is put across the river, ठीक है. तो ये उसका ये एक solid wall हो गया और ये एक shutter है जो top पे provide किया हुआ है, ठीक है. सो ये आपका वाटर लेवल है, ये पॉन्ड लेवल है. सो ये एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन है और ये एक शटर प्रोवाइड किया है जिससे हम वाटर के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है. और एज पर दी इनकमिंग फ्लो इन दी वियर रिवर हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं. सो वियर इज़ अ सॉलिड कंस्ट्रक्शन विच इज़ पुट अक्रॉस द रिवर एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रेज द वाटर लेवल इन द रिवर. सो ये हो गया फर्स्ट उसका, दैट इट इज़ अ सॉलिड कंस्ट्रक्शन. सो ये हमारा हो गया टेम्पररी स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट कैन बी ईजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हैवी फ्लड्स, ठीक है. सो ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर. देन अदर थिंग इज दैट दिस वियर विल कॉज सिल्टिंग इश्यू इज क्रिएटेड विद द वियर, ठीक है. तो वो लॉन्ग टर्म में आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑफ सिल्टिंग. देन इस पे वाटर लेवल, देर इज़ नो कंट्रोल ओवर वाटर लेवल. सो नो कंट्रोल ओवर वाटर लेवल, ठीक है. सो इफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर फुलफिल्ड देन
ओके वन मोर थिंग दैट द कॉस्ट इज लेस लेस कॉस्टली बिकॉज एज इट इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर और जहाँ यहाँ पे ज़्यादा सटर्स है और कुछ नहीं है, ये इसका कॉस्ट भी लेस है. ठीक है, सो इफ़ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर फुलफिल्ड विद दिस ऑब्स्ट्रक्शन सच काइंड ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क तो हम उसको बोलेंगे वियर. नाउ हाउ द बराज इज डिफरेंट फ्रॉम वियर दैट वी विल सी. सो इन केस ऑफ बराज ये जो वॉल होगी सॉलिड वॉल दैट विल बी लेस एंड इट इज़ मोस्टली ऑपरेटेड बाय लार्ज गेट्स. ठीक है, सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन वियर एंड बराज कि यहाँ पे ये जो सॉलिड वॉल है वो कम है. ओके आई कैन ड्रॉ दैट इफ दिस इज द हाइट ऑफ दिस सॉलिड वॉल इन केस ऑफ बराज इज लेस एज कम्पेयर टू वियर. और ये जो शटर्स ये यहाँ पे जो वियर में शटर्स थे दैट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय गेट्स मैकेनिकल गेट्स तो उससे अच्छे से हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, सो नाव हियर सो इन केस ऑफ बराज इट इज not a solid construction to regulate flow of water. ठीक है, यहाँ पे वियर में क्या होगा ये सॉलिड कंस्ट्रक्शन से हम वाटर के लेवल को रेगुलेट कर सकते हैं. वेर इज इन केस ऑफ बराज इट इज मोस्टली रेगुलेटेड बाय गेट्स. ठीक है, काम तो एक ही है दोनों का कि वाटर लेवल को रेज करके डाइवर्ट करेगा. बट अगर यहाँ पे फ्लड्स आते हैं इन केस ऑफ ये ऑब्स्ट्रक्शन में अगर रिवर में फ्लड्स आ गए तो वियर के केस में इट कुड डैमेज ऑल्सो और हम फ्लड के लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं होगा. वेरीज इन केस ऑफ बराज क्या होगा हम गेट्स की वजह से हम अच्छे से फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड और मैनेज्ड easily as compared to wear because of ये जो mechanical gates है उसके लिए. ठीक है, तो due to such gates no silting issue कोई silting issue भी नहीं होगा. ठीक है, and yes it is more costly as compared to wears and this is a permanent स्ट्रक्चर. सो ये बेसिक डिफरेंस है दो टाइप ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क में वियर और बराज. ओके दोनों ये जो हमने ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड किया है ये दोनों इट कुड बी वियर और इट कुड बी बराज. बट नावडेज बराज इज मोर यूज्ड एज कम्पेयर टू वियर बिकॉज ऑफ द व्हाट वी कैन से प्लस पॉइंट्स ऑफ इट ओवर द पॉइंट्स ऑफ वियर. तो ये एक तो हम सॉलिड कंस्ट्रक्शन है एंड परमानेंट स्ट्रक्चर है तो हमें बार बार उसका ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा. फ्लड के टाइम पे वो गेट्स ही इजीली फ्लड्स को मैनेज कर सकते हैं, सिल्टिंग इश्यू नहीं होगा. ठीक है, वेर इज इन केस ऑफ वियर, वियर में क्या होता है कि एज इट इज़ ये भले सॉलिड कंस्ट्रक्शन है मतलब वॉल है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉल, बिग वॉल. तो यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो वॉल के फॉर्म में होता है. ठीक है, एंड इफ हैवी रेन्स और हैवी फ्लड्स आर देयर तो वो वियर को डैमेज भी कर सकता है एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कुड गेट डिस्ट्रक्टेड ऑल्सो. सिल्टिंग इश्यू रहेगा, फ्लड के टाइम पे हमें कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू मैन्युअली ऑपरेट दिस शटर्स. ठीक है, हमें ये जो शटर्स है वो मैन्युअली ऑपरेट करने पड़ेंगे. वाइल इन केस ऑफ बराज ये मैकेनिकल गेट्स है तो वो अपने आप फ्लड मैनेज हो पाएगा. सो दिस इज मोर इफेक्टिव as compared to wear, yes, but only one point is that it is more costly as compared to wears. So I hope you are clear with the difference between a wear and barrage, which are both a type of diversion headwork. Thank you.